हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर्यवर्ता आर्यावरता जर्नलिस आई एम बी सी पांडे टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पास इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट थ्रू द द एक्साइज थ्रू द सेंटेंसेस एक्चुअली मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस और पास इन के सेंटेंस में डिफरेंस होता है जबकि प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट भी वो पास इंडेफिनिट में ही होता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्शन होता है वो पास पास से स्टार्ट होके प्रेजेंट की ओर आता है नियर प्रेजेंट पे या तो कंप्लीट होता है या अभी उसकी कोई एक्शन का कंप्लीट होना या ना होना इसके बारे में कोई बात नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रेजेंट परफेक्ट वो पास इंडेफिनिट से बिल्कुल अलग किया जाता है किस तरह से वो अलग है अब इसके लिए मैंने आपको पहले बताए थे कुछ एडवर्ब्स जिनसे ये आइडिया लगता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट परफेक्ट है अब पास्ट इंडेफिनिट के अदर, कुछ जो वर्ड्स हैं वो जो फिक्स हैं उनसे वो टाइम उन्हें मैंने आपको पॉइंट ऑफ टाइम बोला था तो पॉइंट ऑफ टाइम के जो वर्ड्स हैं वो बताते हैं कि ये पास्ट इनडेफिनेट है उसको सोचना ही नहीं है आपको कि अगर वो वर्ड्स हैं तो पास्ट इंडेफिनेट ही होगा इसी तरह से प्रजेंट परफेक्ट है प्रजेंट परफेक्ट में भी यही होता है उसमें जो एडवर्ब्स यूज होते हैं उनसे भी हमको आइडिया लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा क्योंकि सेंस मैंने आपको कहा था हिंदी में हम किसी तरह से बोल दें या किसी तरह से सेंस कन्वे करें बट इंग्लिश जो है वो सेंस कन्वे लैंग्वेज है तो सेंस पे ही हमें ध्यान देना रहा है तो लेट्स डू द एक्सरसाइज फर्स्ट सेंटेंस इज राधा लॉस हर पर्स इन अ मैरिज पार्टी लास्ट ईयर मैंने आपको आइडिया दिया था लास्ट ये पॉइंट ऑफ टाइम है लास्ट ईयर ये पास्ट की बात बताते थे लास्ट से ही मेरे को आइडिया लग जाएगा कि पास्ट है तो ये सेंटेंस पास्ट इन राधा लॉस्ट हर पर्स इन अ मैरिज पार्टी तो ये पास का है क्यों लास्ट है पॉइंट ऑफ पाइव मैंने पिक किया तो ये इस तरह से करेक्ट करते हैं सेंटेंस को द ट्रेन डिपार्ट टू आवर्स बिफोर मेरे को बिफोर मैंने आइडिया लगाया और पास्ट में दो घंटे पहले अब हिंदी में अगर कहेंगे तो दो घंटे पहले ट्रेन निकल चुकी है इससे हमें वो नहीं बात है ये हिंदी में तो हम कह लेते हैं। लेकिन बिफोर है टू बिफोर पास में किसी टू आवर्स पहले की बात हो रही है एक की की है तो सिंपल पास्ट बनेगा नॉट कैच thief यट अब ये ये, ये ये वर्ड मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में अब ये, 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 ये है तो प्रेजेंट परफेक्ट बनना है और एहट के साथ एक खास बात होती है कि ये नेगेटिव सेंस देता है ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये यट है तो नेगेटिव उसकी जो है सेंस बने कैसे द कॉट द थीफ यट द पास्ट में है I not see your sister recently. I अब यहाँ पर not है negative है Recently से मेरे को idea लगा है कि present perfect में है तो ये present perfect बनेगा क्योंकि recently present perfect का ही adverb है जो present perfect में use होता है कैसे I have not third form लगेगी seen your sister recently present perfect नेक्स्ट सेंटेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई एवर सी एवर एवर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बता रखा है दिस इज द बेस्ट मूवी आई एव आई हैव एवर सीन एवर सी कैसे देखिए कि किस तरह से एडवर्ब्स का जो वर्ड्स मैंने आपको उतार रखा उनका यूज है एवर है तो प्रेजेंट परफेक्ट है और आई हैव एवर सीन दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन ये ये मेरी अब तक की देखी हुई मूवीज में सबसे बेस्ट मूवी है बाबर फाउंड द मुगल एम्पायर इन इंडिया बाबर ने भारत में अब सिंपल पास्ट है कि पास्ट की कोई बात है क्या है कि बाबर फाउंड द मुगल एम्पायर इन इंडिया तो बाबर फाउंडेड उसने स्थापना की बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की बाबर फाउंड द मुगल एम्पायर इन द इन इंडिया अब बाबर फाउंड समझिए फाउंडेड हो जाएगा पास्ट में क्योंकि पास्ट की हिस्ट्री है पास्ट की बात है नेक्स्ट सेंटेंस आई रीड ऑल द मूवीज ऑफ हार्डी मूवीज है एम वी आई सॉरी नोवल्स आई रेड आई रीड ऑल द नावल्स ऑफ हार्डी अब यहाँ पर ध्यान रख के अब ये पास की बात मैंने अगर वो कहता कि मैंने रीड सारी हार्डीज़ की किताबें पढ़ी मैं पढ़ चुका हूँ मैंने पढ़ ली है, है ना आई हैव रेड ऑल द नावल्स ऑफ हार्डी मैंने हार्डी की सारी नावल्स पढ़ ली हैं कोई भी एक्शन मतलब वो कह रहे हैं कि पढ़ी थी या तो वो अगर कहता है कि मैंने दो साल पहले पढ़ मैंने पढ़ी थी ये भी सेंस नहीं है कोई ऐसा नहीं है तो ये सेंस ये मिल रहा है कि नीयर प्रजेंट में अभी की हाल फिलहाल की वो बात कर रहा है कि भाई मैंने उसके ऑल द नावल्स आई हैव कंप्लीटेड तो क्या है द आई हैव रेड आई हैव रेड ऑल द नोवल्स ऑफ हार्डी मैंने हार्डी की हार्डी एक पोएट है, है मैंने पोएट के सारे सॉरी वो अब नोवलिस्ट हैं हार्डी थॉमस हार्डी इंग्लिश नोवलिस्ट तो इनमें क्या है कि आई हैव रेड ऑल द नोवल्स ऑफ हार्डी मैंने हार्डी की थॉमस हार्डी की सारी नोवल्स पढ़ ली हैं प्रजेंट परफेक्ट का सेंस है कोई एक्शन जो है नीयर प्रजेंट में जो है मैंने कर लिया है तो मैं उसको क्या कहूँगा प्रजेंट परफेक्ट में नेक्स्ट वन इच आई राइट टेन लेटर सेंस आई टू ब्रेक पास्ट मैं आपको जिस तरह से प्रजेंट परफेक्ट का पास्ट से एसोसिएशन है या रिलेशन है उसी तरह से प्रजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस से भी रिलेशन है यह जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस आपको समझाऊँगा तो उसमें आपको मैं क्लियर करूँगा तो अब देखिए इसमें ये टाइम एक्सप्रेशन है सेंस ये एक्चुअली टाइम रेक्शन सेंस फॉर हाउ लॉन्ग ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी यूज़ होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में भी होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं तो वो एक्शन मीन्स वो एक्शन कंटिन्यूटी नहीं शो करता लेकिन वो काम होता आया है विदाउट कंटिन्यूटी तो क्या है आई राइट टेन लेटर्स सिंस आई टुक ब्रेकफास्ट अब टेन लेटर्स रुक रुक के लिखे होंगे तो उसमें काउंटिंग नहीं होती तो हो सकता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो सकता था लेकिन वो जो टेन लेटर्स लिखे होंगे गैप गैप में लिखे होंगे तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या होना चाहिए आई written टेन लेटर्स आई हैव रिटन टेन लेटर्स सिंस आई टुक ब्रेकफास्ट मैंने ब्रेकफास्ट लेने के बाद दस लेटर लिखे हैं यानी मैं लिख चुका हूं हाउ लॉन्ग यू नो दिस मैन अब ये ये जो है ना हाउ लॉन्ग ये भी टाइम एक्सप्रेशन है मैंने टाइम एक्सप्रेशन के भी कुछ वर्ड्स आपको बताए थे एक्जेक्टली exactly सेम ये टाइम एक्सप्रेशन एक्चुअली जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होते हैं बट जब एक्शन कंटिन्यूटी में नहीं होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कब यूज होते हैं जब वो कंटिन्यूटी में एक्शन हो अब क्या है कि जो नो no है वो कंटिन्यूस एक्शन शो ही नहीं करता है वो प्रोग्रेसिव एक्शन शो नहीं करता है तो जब प्रोग्रेसिव एक्शन ही नहीं शो करता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट तो क्या बनेगा हाउ लॉन्ग ये वर्ड है तो हैव यू नॉन दिस मैन क्या है आप इस व्यक्ति को इस इस व्यक्ति को आप कब से जानते हैं है ना हाउ लॉन्ग यू दिस मैन आप इस व्यक्ति को कब से कितने लंबे समय से हाउ लॉन्ग का जो है कब से का वेन से नहीं होता ये लॉन्ग एक लंबे समय की बात होती है नेक्स्ट सेंटेंस है एज द रेन स्टॉप यू कैन गो आउटसाइड अब क्या हम हम किसी से कह रहे हैं कि अब रेन क्या हो गई स्टॉप हो गई है यानी कि फिनिश हो गई वो का एक्शन पूरा हो गया अब तुम जा सकते हो तो क्या कहेंगे एज द रेन हैज स्टॉप इट इज हैज स्टॉप यू कैन गो आउटसाइड अब क्या है एज द रेन हैज स्टॉप्ड यू कैन गो आउटसाइड अब मेरे को आइडिया लगा कि ये एक्शन नीयर पहले वो ख़त्म हो गया है तब वो उसके लिए कह रहा है कि अब आप, आप जा सकते हो तो क्या है कोई नीयर प्रजेंट में कोई एक्शन पास्ट से जो क्योंकि बारिश जो हो रही होगी पास से हो रही होगी और नीयर प्रजेंट में वो खत्म हो चुकी है मतलब स्टॉप हो चुकी है तो आप जा सकते हैं तो ये प्रजेंट परफेक्ट में है. ये सेंटेंसेस के थ्रू आपको इसकी क्लियरिटी ये जो रूल्स होते हैं ना वो सेंटेंसेस के थ्रू ही समझ में आते हैं तो प्लीज़ इसको आप ज़रा एम्बाइव कीजिए ये किस तरह से सेंटेंसेस में सेंस का यूज़ करके मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ रूल्स को और ट्रिकी मेथड से उन्हें जो अप्रोच है वो ट्रिकी है ताकि आपको वहाँ पर एक सिंगल लुक पे एक सिंगल साइड पे आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है दिस नेक्स्ट दिस रोड रिपेयर लेटली अब यहाँ पर लेटली देखिए मैंने जो है लेटली है प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है तो दिस रोड हैज़ यहाँ बीन आएगा थोड़ा सा कि एक्चुअली मैं आपको जब ये बताऊँगा

गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर एजुकेशन आ मंथ आगो आगो देखिए आगो है पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या है पास्ट बनेगा माई सिस्टर अब पास्ट बनेगा तो वेंट आएगा माई सिस्टर वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर एजुकेशन आ मंथ अगो मेरी सिस्टर एक महीने पहले हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया गई नेक्स्ट आई रिसीव योर लेटर दिस मॉर्निंग अब देखिए वो इससे कुछ आइडिया मैंने आपको मॉर्निंग वाला कुछ क्लॉथ दिए थे उसमें मैंने बताया था कि अगर मॉर्निंग में खड़े होकर मॉर्निंग की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है लेकिन हम उसके दिन के दूसरे हिस्से में खड़े होकर मॉर्निंग की बात करते हैं तो वो परफेक्ट होता है इन दिस वे आई रिसी आई हैव रिसी आई रिसीव्ड ये पास बनेगा कि मैं इससे आइडिया लग रहा है कि वो सुबह तो बात नहीं कर रहा है वो दिन के कि भाई मैं आई आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग मैंने आज सुबह आपका लेटर पाया यहां मेरे को मिला ही कंप्लीट हिज रिसर्च वर्क टू ईयर्स अगो अफेयर अगो अगो से मेरे को पास का आइडिया लग गया तो मैं क्या कहूँगा ही कॉम्प्लीटेड पास्ट है क्योंकि अगो है अगो से हमें पास्ट का आइडिया लगेगा तो पास्ट है तो सिंपल पास्ट क्या है अगो है तो सिंपल पास्ट है आई नो हर सिंस नाइनटीन अब ये नो नो एक ऐसा वर्ड है जो प्रोग्रेसिव एक्शन जानने के सेंस में नहीं देता है तो क्या होता है आई नो हर सिंस 1995 मैं और सिंस क्या है ये टाइम एक्सप्रेशन है अब टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता है अब एक्शन कंटिन्यू वाला नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी तो आई हैव शुड बी आई हैव नॉन हर सिंस 1995 मैं उसको जो है 1995 से जानता हूँ तो जानता हूँ का सेंस क्या है कि वो मैं अवेयर हूँ उसका तो जानने की जो मतलब मिलना वो जो हमारी कहने का एक दूसरे को जानना है वो प्रोग्रेसिव एक्शन शो नहीं करता है तो इसलिए मैंने अहम नॉन कहा हैव यू फिनिश योर यस्टरडे अब देखिए हैव गलत रॉन्ग लग गया क्यों यस्टरडे है तो पास्ट होना चाहिए तो हैव नहीं होना चाहिए यहां पर ये पास्ट का है तो यहां क्या होना चाहिए डेड डेड यू अब फिनिश नहीं ये फिनिश हो जाएगा डिड यू फिनिश योर यस्टरडे क्या आपने कल आपने काम खत्म कर लिया था अब देखो ऐसे क्या आप कल अपना काम खत्म कर चुके थे हिंदी के सेंस से नहीं हो सकता सेंस इंग्लिश का अलग है वो जो है पॉइंट ओरिएंटेड है अब यस्टरडे है तो पास्ट है मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ तो आई डिड वट डिड यू फिनिश योर यर वर्क यस्टरडे नेक्स्ट शी बिहेव्स एज इफ शी डैस आ लैंड लेडी ये टू भी जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब है ये कंडीशनल सेंटेंस है आपको एक जब मैं एडवर्ड क्लॉज बताऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको अब समझाऊंगा ये एक्चुअली ये सब्जेक्टिव मूड कहते हैं अन रियल पास्ट अन रियल पास्ट क्या होता है जब ये कंडीशन होती है शी बिहेवस एज एव शी वन इसमें पास प्रूलर का यूज करा जाता है नहीं आएगा सी शी के साथ होता है लेकिन एक कंडीशनल सेंटेंस है सब्जेक्टिव मूड है तो शी वर अ लेडी वह ऐसे बिहेव कर रही करती है जैसे कि वो लैंड लेडी हो ही वर एक कंडीशन है अनलाइकली कंडीशन ये जो कंडीशंस हैं कंडीशनल सेंटेंसेज हैं ये भी आपको क्लियर होंगे ये टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जब आएंगे, इससे थोड़ा सा हम एडवांस करेंगे तब ये बातें क्लियर होंगी अभी आप थोड़ा सा ये समझिए कि मैंने जब पास्ट में बताया था आपको कि सब्जेक्टिव मूड होता है जब अनरियल पास्ट होता है तो ये वर आता है इसमें सिंस ही हैज़ स्टार्ट जर्नी ही हैज़ बीन फीलिंग्स जब से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है तब से वो सिक फील कर रही है वो बीमार है बीमार मतलब बीमार उसमें कंटिन्यूली वो बीमार है तो अब जैसे यानी कि जब वो उससे आगे अब देखो बात कहाँ पर हमें जो वर्ब को एक्शन को जो है क्या करना है ठीक करना है यहाँ पर करना है स्टार्ट पे अब यानी कि स्टार्ट जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई वो पास से स्टार्ट हुई होगी और ये आगे को आई होगी तो ये जो स्टार्ट वाला होगा ये पास में होगा तो क्या होगा सिंस ही जब से जब से उसने स्टार्ट की है जर्नी तब से उसे वो बीमार है यहाँ उसे वो, वो सिक फील कर रही है तो सिंस ही हैज़ नहीं आएगा सिंस ही स्टार्टेड जर्नी ही हैज बीनिंग जब से वो उसने स्टार्ट अपनी जर्नी वो स्टार्ट की जैसे वो अपने जो है जर्नी पर निकली है जब से तब से वो वो बीमार है अब ये देखिए ये सेंटेंसेस थे जो प्रेजेंट प्रैक्टिस परफेक्ट और फास्ट एंड डेफिनेट को कैसे अलग अलग उनके एडवांस पॉइंट ऑफ टाइम उनके आधार पर अलग अलग सेंस के अकॉर्डिंग वो डिफ़र करते हैं तो ये मैंने आपको जो रूल्स बताए थे वो इन सेंटेंसेस में अप्लाई करके बताए हैं तो आपको मुझे लगता है कि सब ये समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे थैंक यू